बिहार के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने अपने स्कूल परिसर में हवाई जहाज का निर्माण करवा दिया, जो इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले समेत दूसरे राज्यों से लोग इस हवाई जहाज को देखने आ रहे हैं। सरकारी स्कूल में बना ये हवाई जहाज कोई आम नहीं, बल्कि इस हवाई जहाज में सरकारी स्कूल के बच्चे अपने भविष्य को संवारेंगे। दरअसल समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर मेघन सहनी ने अपने पैसे से सरकारी स्कूल के परिसर में हवाई जहाज नुमा पुस्तकालय बनवाया है, ताकि इसमें बैठकर इलाके के गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। जब बना रहे तो शिक्षा एक्सप्रेस, तो बच्चा सब का, सर आप हवाई जहाज भी बनाइए, उसी समय दिमाग में आज जो हवाई जहाज बच्चा से बोला है, तो जरूर एक दिन हम बना के रहेंगे। और आज वो काम पूरा हो गया, इस स्कूल में मेरा 4 साल हुआ है। सर, इसमें बैठने की जो ये जो हवाई जहाज है, इसमें बैठने की कितने सीटें जो है उपस्थित है, या बच्चे कितने बच्चे इसमें जो है बैठ सकते हैं? इसमें 22 से 25 बच्चे बैठ करके पढ़ेंगे एक साथ। हाँ, एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे। आज आगे चल कर और कुछ सोचे हैं क्या सर? हाँ, आगे चल कर है, दिमाग में तो है, और इसी बार आया दिमाग में, अगर हमारे स्कूल से 10 बच्चे इस बार 2022 में स्कॉलरशिप में पास कर जाते हैं, उसको पटना से दिल्ली हम हवाई जहाज से ही ले जाएंगे। हेडमास्टर साहब ने इस हवाई जहाज का नाम शिक्षा उड़ान रखा है। इसे ऐसा बनाया गया है जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं बैठकर पुस्तक का अध्ययन करने के साथ साथ स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। यह शिक्षा उड़ान सरकारी स्कूल के एक छोटे से छत पर बनाया गया है। इसमें हवाई जहाज का पहिया भी दर्शाया गया है, और इस विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ दरवाजे भी लगाए गए हैं। आधुनिक लाइटिंग सिस्टम से सजाया गया यह विमान देखने लायक है। वहीं सरकारी विद्यालय में बने इस शिक्षा उड़ान पुस्तकालय का स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सरकारी विद्यालय के अंदर बना हवाई जहाज नुमा शिक्षा उड़ान की कलाकृति से अन्य स्कूलों को भी सीख लेने की जरूरत है, इससे छात्रों को स्कूल आने की प्रेरणा मिलेगी। बच्चों का पढ़ाई के प्रति आकर्षण बना रहे, ये बहुत अच्छा विचार है। और सबसे इससे भी जो हमको उत्प्रेरित कर रहा है कि अपने निजी कोष से कोई सरकारी धन इसमें एक रुपया भी नहीं लगा हुआ, अपने निजी कोष से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मिला है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम स्वयं भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारा बेसिक एजुकेशन यहीं से हुआ, तो एक आत्मीय लगाव है हमारा यहाँ पर। और जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम अपनी पुरानी यादों में, पिछली यादों में खो जाते हैं कि हम भी यही पढ़ा करते थे, उस समय भी शिक्षक थे। और क्या उस समय हेलीकॉप्टर का व्यवस्था नहीं था आपके लिए? उस समय तो इतना नहीं था, उस समय तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में 2-3 मकान था, बस उसी में सारा 5 तक क्लास संचालित होता था। और इतना जितना अभी सरकार तक मेघन सहनी जैसे शिक्षक अगर उस समय में होते तो निश्चित रूप से कुछ नया इनोवेशन होता उनके द्वारा। चलिए, गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।